वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेटलर्जी के इस टॉपिक में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम मेटलर्जी को क्रम से कई स्टेप्स में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो, मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको उन टॉपिक को एक सीक्वेंस में थोड़ा सा लगा देता हूं। जिन भी बच्चों ने मेरे वीडियो क्रम से देखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो समझ में तुरंत आ जाएगा। जिन्होंने आज से वीडियो देखा है उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो पिछले वीडियो अगर क्रम से देख लें तो बेटर है, और नहीं देखते हैं तो वो आपकी पर्सनल मैटर है, वो आप जानिए। मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था मेटलर्जी, या जिसको हम बोलते हैं धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में सबसे पहले हमने अयस्क लिया था, उस अयस्क को खान से हमने अयस्क निकाला था, अयस्क को निकालने के बाद उसको पीसा था, पीसने के बाद हमने अयस्क का सांद्रण किया था, मतलब उसमें जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर थे, बालू थे, उसको अलग किया था। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। इसकी चार विधियां थी, वृत्तीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निक्षारण विधि या लीचिंग प्रोसेस। सबके वीडियो अलग अलग बने हुए। अयस्क का सांद्रण करने के बाद हमको मिला था सांद्रित अयस्क, और उस सांद्रित अयस्क को हमने ऑक्साइडों में बदल दिया था, और ऑक्साइडों में बदलने के लिए हमने दो प्रोसेस अपनाए थे, एक का नाम था निस्तापन और दूसरे का नाम था भर्जन। तो अब हमें ऑक्साइड मिल चुके हैं। अब ऑक्साइड से हमें दो प्रोसेस करनी है। पहली हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इतनी चीजों को मैं थोड़ा सा एक बार एक उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूं। सपोज दैट हम कॉपर के धातु निष्कर्षण को अगर हम पूछा जाए आपसे पूछा जाए कॉपर के धातु निष्कर्षण को समझाओ, तो देखो अभी काफी सारी चीजें पढ़ना रुका है, मगर अभी मैं इतनी चीजों को यहां पर एक समरी के तौर पर लिखता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, CuFeS2। आप बताओ ये क्या है, कॉपर का अयस्क। कॉपर का क्या है, ये अयस्क है। इस कॉपर के अयस्क को हम सभी लोगों ने पहले क्या कर दिया, पीस लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फेन प्लवन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया। आपको पता है ना कि ये जो अयस्क है ये कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। आपको हमने बताया था कि जो सल्फाइड अयस्क होता है उस सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो हम किस विधि से करते हैं, फेन प्लवन विधि से करते हैं। तो हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया। अयस्क का सांद्रण करने के बाद अब हमने क्या किया, भर्जन और निस्तापन। ये एक ही प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस चूंकि एक ही भट्टी में हम कराना है तो हम निस्तापन स्लैश करके भर्जन इस तरह लिख रहे हैं, निस्तापन किया और भर्जन किया। अब निस्तापन और जो भर्जन हमने किया है इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए थे, आपने देखो रिएक्शन अच्छे से याद करी थी। क्या याद करी थी, CuFeS2, इसकी रिएक्शन होती है 1 मोल ऑक्सीजन से, आपको क्या मिलता है, Cu2S मिलता है, 2 मोल्स ऑफ FeS, सॉरी Cu2S मिलता है प्लस FeS मिलता है, सॉरी Cu2S मिलता है प्लस 2 मोल्स ऑफ FeS मिलता है प्लस 1 मोल क्या मिल जाता है, SO2। ये था। उसके बाद हमने क्या लिया था, Cu2S3O2, नेचर में क्या बना था, Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2, और एक और बना था 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3O2 बराबर क्या हो गया था, 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। ये सारा प्रोसेस हम कर चुके थे कहां पर, निस्तापन में और भर्जन में। आपको देखो हमारा सल्फाइड अयस्क था, फाइनली वो किस में बदल चुका है, ऑक्साइड अयस्क में बदल चुका है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से अभी इसका परिवर्तन हो चुका है। तो देखो आपने इतना प्रोसेस अभी तक सीख लिया है।
हमने आईएएस का डिस्कशन के लिए पहले आईएएस निकाला, पीसा, सांद्रण किया, सांद्रण के लिए कौन सी विधि लगेगी, यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सल्फाइड आईएएस था इसलिए हमने फेन प्लवन विधि लगाई है। अगर मान लो चुंबकीय आईएएस होता तो हम यहाँ विधि बदल देते, आईएएस के सांद्रण के बाद उसको हमने ऑक्साइड्स में बदला है, उसके लिए हमने निस्तापन और भर्जन किया। निस्तापन भर्जन में जो भी रिएक्शन आपने याद करी थी वही रिएक्शन लिखी हुई है। और इसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस सोचते हैं। आगे के प्रोसेस में केवल आप इतना सोचो, ये देखो ये कॉपर का ऑक्साइड है, अब ये थोड़ी देर भूल जाते हैं ये कॉपर है, हम सिंपल तौर पर मानते हैं कि ये हमारे पास धातु M है और इसका अगर ऑक्साइड है तो ये O है। हम चाहते हैं ये O हट जाए, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही है कि अगर ये O हट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, M। M क्या है, धातु, और हम धातु ही तो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं जो धातु का ऑक्साइड है उस धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अगर अलग कर दें तो इस प्रक्रिया को, ऑक्सीजन को अलग करने की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। तो अगर हम इसमें कार्बन मिला दें, देखो कार्बन एक अपचायक होता है, जरूरी नहीं है हम कार्बन मिलाएं, अगर मान लो हमने कार्बन मिलाया तो एम अलग हो गया और क्या बन गया, सीयू। ये अपचयन की प्रोसेस हो सकती है। कुछ लोग कहें नहीं हम कार्बन से क्यों अपचयन कराएं, हम तो दूसरा अपचायक ले लेंगे, उस अपचायक का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक अपचायक होता है, और अपचायक से क्या बन गया, एम बन गया और कौन सी गैस बन गई, सीओ टू बन गया। कोई कहे कि हम ना तो कार्बन नहीं लेना है, हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं लेना है, हमें तो कोई तीसरा पदार्थ लेना है, उसका मान लो नाम है एक्स, ये कोई भी अपचायक हो सकता है। तो यहां क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एक्स ओ बन जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हमने क्या देखा कि जो धातु ऑक्साइड हमारे पास है उस धातु ऑक्साइड को हम धातु में बदलने वाले, धातु को बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अब अपचयन के लिए हम कार्बन लें, कार्बन मोनोऑक्साइड लें या एक्स लें, सभी तो ले नहीं सकते, कोई अपचायक ही होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए आप सोचो, हमारे पास एक नट है, उस नट को कहीं पर कसा हुआ है, हम चाहते हैं वो नट खुल जाए, तो नट को खोलने के लिए हम पाने का यूज करते हैं। तो अगर हम पाने लेंगे तो एक फिक्स नंबर का पाना होता है जो उस पर लगता है, अगर वो पाना हम लगाएंगे तो वो नट खुल जाएगा, अगर हम बड़ा पाना ले आएंगे या छोटा पाना ले आएंगे तो वो नट पे फंसेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से एक नट को खोलने के लिए विशेष पाना होता है, उसी तरह से धातुओं के ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए सारे अपचायकों का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि विशेष अपचायक का यूज किया जाता है। अब ये विशेष अपचायक कौन है, तो आप क्या कहोगे, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो कार्बन अपचायक सही है, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक सही है, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो अपचायक एक्स सही है। तो मतलब हमें ये चीज देखनी है कि कौन सा अपचायक लेने पर रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा अपचायक लेने पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी लोगों ने ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में सीखा हुआ है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रवर्धित या कहो तो पॉसिबल तब होती है जब उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा, याद करिएगा ऊष्मागतिकी में आपको पढ़ाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो जब गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो मान होता है अगर वह मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तब तो वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी का मान ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का मान जीरो है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी पड़ेगी कि हमने धातु ऑक्साइड लिया, हमने एक अपचायक मिलाया, हम पहले ये चेक करेंगे कि उस रिएक्शन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कितना है। ये कैसे करते हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना है, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि हमने कोई धातु ऑक्साइड लिया, उसमें हमने कोई अपचायक मिलाया, और अपचायक मिलाने के बाद हमने ये देखा कि उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान कितना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कितना है। अगर वह मान ऋणात्मक निकला तो हम कह देते हैं ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, मतलब जो हमने अपचायक लिया है उसको लिया जा सकता है। अगर मान लो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक नहीं आया
तो फिर हम बोलेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या रिएक्शन उत्क्रमणीय है और हमें अपचायकों को बदलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेल्टा जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा ये वो फैक्टर है जिससे हम ये निर्धारित करने वाले हैं कि कौन सा अपचायक हमें लेना चाहिए और कौन सा अपचायक नहीं लेना चाहिए। अब डेल्टा जी का मान कैसे निकाला जाता है ये आपने पढ़ रखा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़ा हुआ है आपने, नहीं पढ़ा है तो आप सीख लो, ज्यादा चीजें आपको लिखनी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता दूंगी। तो हमें क्या करना था, हमें अपचायक चुनना है कि ये ले या ये ले या ये ले, कौन सा अपचायक ले। तो हमने क्या किया इन तीनों रिएक्शनों के लिए, क्या किया, गिब्स फ्री एनर्जी का मान निकाला, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान निकाला। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। अब मान लो इसके लिए भी ऋणात्मक आ गया और इसके लिए भी ऋणात्मक आ गया, तो मतलब ये अपचायक भी लिया जा सकता है और ये अपचायक भी लिया जा सकता है, तो हम कौन सा अपचायक ले, ये वाला ले या ये वाला ले। तो उसके लिए हम ये चीज चेक करते हैं कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक तो आता है, मगर ऋणात्मक आता कैसे है, निकालते कैसे है, उसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो डेल्टा एच है वो क्या चीज होती है, एंथैल्पी, क्या होती है, एंथैल्पी, और डेल्टा एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है। और ये जो डेल्टा एस है वो क्या होता है, डेल्टा एस वो क्या होता है, एंट्रोपी। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम मैं थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक बनाऊंगा वीडियो, तब उस पर सीख लीजिएगा। और टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है, तापमान। तो हमारा डेल्टा एच पर भी निर्भर करता है, डेल्टा जी का मान डेल्टा एस पर भी निर्भर करता है और टी पर भी निर्भर करता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस पर कैसे निर्भर करता है ये हमारा अभी का टॉपिक फिलहाल मैं नहीं कहेंगे, हम केवल आपको इतना सा बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा जी का मान तापमान पर निर्भर करता है, डेल्टा जी का मान तापमान पर निर्भर करता है। और विभिन्न अपचायकों के लिए, ये भी अपचायक है, ये भी अपचायक है और ये भी अपचायक है, विभिन्न अपचायकों के लिए अगर डेल्टा जी का मान तापमान पर कैसे निर्भर करता है इसको लेते हुए अगर हम एक आरेख बनाते हैं तो उस आरेख को हम बोलते हैं एलिंगम कर्व या एलिंगम वक्र। ये आपसे पूछा जाता है कि एलिंगम वक्र क्या होता है, तो एलिंगम वक्र क्या चीज है, तो आप बोलोगे धातु ऑक्साइड, देखो यहां पर धातु ऑक्साइड बदल रहा है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, ठीक है, तो एलिंगम वक्र क्या है, तो डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। धातु ऑक्साइडों के लिए, धातु ऑक्साइडों के निर्माण के लिए डेल्टा जी और टी के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो जो वक्र हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिंगम वक्र, ठीक है। देखो एलिंगम वक्र में एक अच्छा टॉपिक है, एलिंगम वक्र पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी मैं एलिंगम वक्र को लेने के लिए इस पूरे टॉपिक को डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा हूं। तो आप केवल अपने दिमाग में केवल इतनी सी चीज बैठाइए कि हमने पहले धातु को एस को बाहर निकाला खदान से, उसके बाद हमने उसको पीस लिया, उसके बाद हमने सांद्रण कर लिया, उसके बाद हमने भर्जन निस्तापन लगाकर उसको ऑक्साइड में बदल दिया। अब ऑक्साइड में बदलने के बाद अब हमें जरूरत किस चीज की है, क्या हम उस धातु ऑक्साइड को किस में बदल दें, धातुओं में बदल दें। और धातुओं में जब हम बदलते हैं तो इसके लिए जरूरत पड़ती है अपचायक की, और वो अपचायक हमें कौन सा लेना है, तो हम बोलेंगे कि हम अपचायक का चयन किस आरेख की सहायता से कर लेते हैं, एलिंगम आरेख की सहायता से कर लेते हैं। एलिंगम आरेख में ऐसा क्या चीज है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये अपचायक लीजिए और ये अपचायक मत लीजिए। तो आपको हमने क्या बताया कि अपचायक तो कई सारे हो सकते हैं, मगर जो चीज रिएक्शन में दिख रही है जरूरी नहीं है वो पॉसिबल हो। तो इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए सबसे पहले क्या चीज ज्ञात करी जाती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है तब तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। अब मान लो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, इन तीनों में रिएक्शन पॉसिबल है, तो हम देखेंगे कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, उस बेस्ट का सिलेक्शन करने के लिए हम किस आरेख का यूज करने वाले हैं, एलिंगम कर्व का यूज करने वाले हैं। खैर हमने मान लिया कि हमें एक अपचायक मिल गया एलिंगम कर्व की सहायता से, और उस अपचायक को हमने लगा करके धातु ऑक्साइड को किस में बदल दिया, धातुओं में बदल दिया, तो इस तरह से हमें धातु तो प्राप्त हो गई। धातु ऑक्साइड से क्या चीज प्राप्त हो गई, धातु प्राप्त हो गई। मगर अभी भी इस धातुओं के ऑक्साइड जो हमने बदला था, भर्जन विस्थापन लगाया था, उसमें अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद हैं, अभी भी गैंग मौजूद है जो अभी तक शुद्ध नहीं हो पाया। तो उस अशुद्धि को
जिसको हम अभी भी भर्जन निष्कापन में दूर नहीं कर सके हैं, तो उस अशुद्धि को हम बोलते हैं अगलनीय अशुद्धि। अगलनीय अशुद्धियों को भी हमें अलग करना है। देखो धातु ऑक्साइड जो बना था, धातु ऑक्साइड उसको हमने धातु में अपचयन तो कर दिया, अच्छी चीज है, बढ़िया है, मगर धातु में बदलने का मतलब ये नहीं है कि हमें तो धातु मिल गई, अगर धातु मिल गई अच्छी चीज है, मगर अभी उसमें बहुत सारा गैंग मौजूद है। धातु जो ऑक्साइड थे जिसका हमने अपचयन कर दिया, उस धातु ऑक्साइड में अभी बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद हैं। अभी हमारा एक टारगेट और भी है कि वो अशुद्धियां भी दूर हो जाएं। धातु में बदल गया ये तो अच्छी चीज है, मगर धातु ऑक्साइड में जो अगलनीय अशुद्धियां हैं हम चाहते हैं वो भी अलग हो जाएं, पूरी तरह से सेपरेट हो जाएं। और ऐसा करने के लिए, उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए, उन अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम धातु ऑक्साइडों का क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रगलन करते हैं। तो देखो प्रगलन में धातु नहीं बनती है, प्रगलन में धातु ऑक्साइड में जो अगलनीय अशुद्धियां हैं वो गल जाती हैं और गलकर बनाती हैं धातु मल। तो देखो एक नया शब्द आने वाला है प्रगलन। प्रगलन क्या चीज है अभी हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रगलन कहां कराया जाता है हम इसको समझेंगे, उस भट्टी का नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है जहां पर प्रगलन की प्रक्रिया कराई जाती है, हम इसको सीखेंगे। और जब हम प्रगलन कराते हैं तो प्रगलन के कराने में हम एक पदार्थ एक्स्ट्रा मिलाते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं गालक, या जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो वो चीज गालक क्या चीज होती है वो हम अभी इसके बारे में बता रहे हैं। और साथ में जब गालक मिलाते हैं, प्रगलन कराते हैं, तो अगलनीय अशुद्धियां फाइनली किसमें बदल जाती हैं उसको बोलते हैं धातु मल, या जिसको बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग क्या चीज होती है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये अपचयन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये ओवरऑल समरी है। देखो अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बनाना है, चैप्टर कठिन नहीं है, चैप्टर की क्रमबद्धता अगर आपके पास है तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो और कभी भी पढ़ सकते हो। भाई आपको पता है एक के बाद दो आना है, दो के बाद तीन आना है, आपको पता है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि 1,02,00,000 के बाद क्या आएगा। तो डेफिनेटली बात है कि 1,02,00,000 के बाद क्या आएगा, 1,03,00,000 आएगा। हम पूछें 2,01,00,000 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2,02,00,000 आएगा। तो ये आपको कैसे पता चली? जब तक आप क्रमबद्धता नहीं सीखते हो, कंटिन्यूटी नहीं सीखते हो, तब तक आपको पढ़ने का मतलब नहीं है। हम सोचें कि हम एलिंगम कर्व पर एक टॉपिक पर वीडियो बना दें और आपको एलिंगम करवा जाए, तो उसका कोई सेंस थोड़ी ना है। जब तक आप उपयोगिता नहीं समझोगे तब तक पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को क्रम से देख करके कनेक्ट करें, एक से दूसरा टॉपिक इंटर रिलेटेड है, अगर आप इतना कर ले जाते हो तो आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रगलन की। तो प्रगलन टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और प्रगलन टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आइए सीखिए। देखिए हमारा टॉपिक है प्रगलन। देखो प्रगलन के लिए हम अलग से एक वीडियो अलग बनाएंगे, अभी मैं प्रगलन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रगलन को लूंगा। सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि अगलनीय या कहें तो धातु ऑक्साइडों, धातु ऑक्साइडों आप इसको कह सकते हो ब्रैकेट में अयस्कों, ठीक है। देखो कुछ धातु ऑक्साइड के रूप में ही अयस्क होते हैं, ऐसा नहीं है कि धातु ऑक्साइड हमें बार बार बनाना पड़ेगा। कुछ अयस्क किस रूप में सीधे होते हैं, धातु ऑक्साइड के रूप में वो सीधे पाए जाते हैं। जैसे देखो बॉक्साइड, तो बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है Al2O3, उसमें तो ऑलरेडी ऑक्साइड है। मगर जब हम बात करते हैं कॉपर पाइराइट, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें तो सल्फर था, तो हमें उसको ऑक्साइड में बदलना पड़ा। तो हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड कह सकते हैं, या कह सकते हैं ब्रैकेट में अयस्कों में क्या मौजूद होता है, अगलनीय अशुद्धियां। मैं अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित होती है, अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित होती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित होती है। इसमें क्या मिलाते हैं, गालक, फ्लक्स, ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं, गालक। धातु ऑक्साइड या अयस्कों में अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, जिसमें लिख देंगे भाषा, जिसमें हम क्या मिलाते हैं, गालक।
गालक क्या चीज है ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अभी बताते हैं, गालक मिलाते हैं जिससे, जिससे क्या होता है, अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धियां गलनीय धातुमल, धातुमल में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रगलन। और यह प्रक्रिया कहां कराई जाती है तो याद रखिएगा, इसको बोल कराते हैं हम बात्या भट्टी। अब बात्या भट्टी क्या है, गालक क्या है, धातुमल क्या है, सब ले रहे हैं। अभी के लिए हमारे लिए केवल इतना हमको याद करना है कि धातु ऑक्साइड जो हमको मिला भर्जन और निस्तापन के बाद, उसमें अभी अगलनीय अशुद्धियां थी। उन अगलनीय अशुद्धियों को यदि हम गलनीय धातुमल में बदलना चाहते हैं तो हमको एक पदार्थ मिलाना पड़ेगा, उस पदार्थ का नाम होता है गालक। और गालक मिलाकर अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदलने की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रगलन। और ये जो प्रगलन है वो किस भट्टी में कराया जाता है, बात्या भट्टी। तो अब देखते हैं प्रगलन में क्या होता है, भट्टी किस तरह की होती है, कौन से गालक मिलाते हैं, कौन से नहीं मिलाते हैं, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो प्रगलन की प्रक्रिया और धातु ऑक्साइडों को धातु में बदलने के लिए हम अपचायक जो डाल रहे हैं, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ हम कहां कराने वाले हैं, बात्या भट्टी में। एंड फाइनली उससे क्या मिलेगी, धातु। और जो धातु आपको मिलेगी वो अभी अशुद्ध है, उस धातु से हम उसको फिर से क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। एंड फाइनली हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरह से ये कराती है धातुओं की निष्कर्षण या धातुओं की मेटलर्जी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से, उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा देंगे और अगले वीडियो को सीक्वेंस से देखते जाएंगे जिससे आपको टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।